पीपल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ड्राइवर्स पर। आज है डे 4 और तारीख है 5 अक्टूबर 2022। हम हैं इम्फाल में। हालांकि जैसा कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम मणिपुर की लोकल साइट सीन करेंगे, सो प्लान अभी फिर से हो गया है ऑल्टर और आज हम जा रहे हैं लोकताक लेक देखने के लिए। लोकताक लेक तो हम देखेंगे, साथ में हम चलेंगे एक नेशनल पार्क ऑल्सो, नाम अभी मैं आपको बताता हूँ, एक नेशनल पार्क और देखेंगे, वो भी दुनिया, वो उसकी खास बात क्या है, वो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि इंडिया में है। यहाँ पर ऐसा कोई भी फ्लोटिंग पार्क पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, और ये फ्लोटिंग है तो जब पानी का लेवल बढ़ता है तो पार्क का लेवल भी ऊपर चला जाता है। ओके, तो आज हम वो देखते हैं, चलते हैं। ये इम्फाल से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर है। मीशू, ये जो नेशनल पार्क हम देखने जा रहे हैं ना, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क ना संघाई डियर के लिए फेमस है। संघाई डियर एक इंडेंजर्ड डियर होता है जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल है। ओके, अब वो वहां पे रहता तो बहुत है लेकिन इंडेंजर्ड है तो कम है, और दिखता भी बड़ा मुश्किल से क्योंकि बहुत शर्मीला है तुम्हारी तरह। तुम शर्मा जाती हो ना कैमरा देख के, वैसे वो भी शर्मा जाता है, घास में छिपा रहता है। दिल्ली में जो तब तुम बहुत बड़ी थी, अभी तो तुम छोटी हो गई हो। खैर, दिल्ली वाला जो जू है ना, उसके जू के जो एम्बलम पे जो एक डियर बना हुआ है ना सींग वाला, वो यही मणिपुरी डियर है, इसी को यहाँ से लिया गया है। वो संघाई डियर का ही फोटो लगा हुआ है नेशनल जूलॉजिकल पार्क में, वो यही मिलता है। नहीं, वो संघाई डियर है, और यहाँ हर जगह संघाई चीजों के नाम से होटल हैं, शॉप्स हैं, सब कुछ है। इन्हीं डियर, ये तुम्हारे जो लेफ्ट में आ रहा है ना, इम्फाल पीस म्यूजियम है, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम का बना हुआ, मतलब ये बनाया अभी है। So guys, from Imphal, now we are in the Moirang town. Moirang ही वो जगह है जहां पर से लोकताक व्यू पॉइंट के लिए जाया जाता है। फिलहाल हम जाएंगे नेशनल पार्क की तरफ, केबुल लैमजाओ, और वहां से फिर वापस आएंगे उस जगह जहां से ये लोकताक लेक देखी जाती है। गेट में एंटर करेंगे उससे पहले ही यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये है काउंटर। टिकट ले ली है, 15 रुपीज़ फॉर चाइल्ड, 30 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 100 रुपीज़ फॉर द कार, टोटल 290 बना। अभी हम यहाँ से जाएंगे अंदर, ये पार्क का गेट है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर राइड कर, लगभग 1.5 किलोमीटर हमें यहाँ से अभी गाड़ी लेकर जानी है। वहाँ से आएगा व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट के पास से बोटिंग भी होती है, तो वो हम देखते हैं क्या करते हैं, फिलहाल अंदर चलते हैं। देख रहे हो पापा आप, ये जितना देख रहे हो ना, ये मैदान नहीं है, ये पानी के ऊपर तैरता हुई घास है सारी, ये बिल्कुल, हाँ ये सारी पानी है, ये जमीन नहीं है। सो आवर फेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, ये है संघाई डियर, एंड व्हाई वी आर हियर, द रीजन बिहाइंड इज दिस, एक बार पढ़िए, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑन द ग्लोब,
ओनली नेशनल हैबिटेट ऑफ संगाई मीन्स मणिपुर ब्रो एंटेलर एंटर्ड डियर अ सोशियो कल्चर इकोनॉमिक हब ऑफ मणिपुर अ पैराडाइज ऑफ वाटर बर्ड्स एंड इंडिजीनियस फिशेस आर शंघाई इज आर प्राइड इट इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल इसीलिए यहाँ पर नेशनल पार्क बनाया गया है पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद इसको नेशनल पार्क बनाया गया आज ये दुनिया में इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि पानी पर फ्लोट करता है मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर अपने नेचुरल हैबिटेट में शंघाई डियर मिलता है अगर बात करें इनकी पॉपुलेशन की तो शंघाई की पॉपुलेशन 1975 में सिर्फ रह गई थी 14 एस्टिमेटेड मीन पॉपुलेशन 2018 आते आते इट वाज 251 इस टाइम पर जहां कहीं भी आप शंघाई डियर को देखेंगे वो जू में या बायोडायवर्सिटी पार्क्स के अंदर रखे हुए हैं नेचुरल हैबिटेट में यहीं मिलते हैं तो दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं यहां पर आना कैसे है अगर आप गूगल मैप के थ्रू यहां पर आते हैं तो आप गूगल मैप पे केबुल लामजाओ पार्क ना डालें आप डालें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क गेट ओके ये मुरांग के पास है तभी आपको गूगल मैप यहां पर लेकर आएगा वरना गूगल मैप आपको कहीं इस फॉरेस्ट के बीचों बीच की जगह दिखा देगा पहली बार प्लस इसकी जियो टैग लोकेशन मैं अभी यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर का एक नेशनल पार्क है यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं ₹50 में पर पर्सन बोटिंग होती है रास्ता आपको नीचे नजर आएगा अगर आप नेहा आपको दिखाएगा वो छोटी सी जो ड्रेन वाटर ड्रेन बना हुआ है ये जो आपको सामने नजर आ रहा है इसमें बोटिंग करते हुए जाते हैं राइट वहां पर आपको कुछ लोग भी नजर आएंगे पीछे बैक पीछे की तरफ हाँ इसमें आप जा सकते हैं अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये जो आपको अभी जमीन नजर आ रही है ना यहाँ पर ये एक्चुअली जमीन नहीं है ये जो आपको ग्रास नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड फुमदी ये फ्लोटिंग ग्रास है बायोमास है और ये इतनी कॉम्पैक्ट है कि इसके ऊपर आप अपना घर भी बना सकते हो खड़े हो सकते हो पूरा जो लाइफ जो बायोडाइवर्सिटी है इस पार्क की वो इस ग्रास ने हैंडल कर रखी है अपने आप में ये एक बहुत ही यूनिक जगह है ऐसी जगह आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी सो डू विजिट दिस प्लेस व्हेनेवर यू आर इन इम्फाल और एनीवेयर इन मणिपुर तो गौर ये घास तैर रही है तो इतनी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कैसे है एक्चुअली क्या है ये जो फुमदी जो बायोमास है ना ये एक दूसरे में जो ग्रास है ये इतनी कॉम्पैक्टली एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है और ये सारी कनेक्टेड है देखो छोटा सा पीस होता है वो तो डूब जाता लेकिन ये पूरी फुमदी जो है ना ये पूरी की पूरी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो जो वेट होता है आपका वो बढ़ जाता है और ये डूबती नहीं है अभी हम चलेंगे नीचे और आपको दिखाएंगे इसके ऊपर खड़े होकर तो अच्छा चल सकते ओह माय गुडनेस जितने डियर हैं यहाँ पर जितना ये शंघाई डियर है सारा इसी ग्रास के ऊपर रहता है अब पार्क में आने के बाद आपको 2 से 2.5 किलोमीटर की एक ड्राइव करके आनी पड़ती है व्यू पॉइंट तक व्यू पॉइंट जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं इस व्यू पॉइंट से सारा नजारा आपको देखने को मिलता है और उसके बाद नीचे आप बोटिंग के लिए भी जा सकते हैं ओके तो पहले आइए नजारा देखिए और उसके बाद बोटिंग के लिए जाइए एक और बात यहाँ कुछ खाने पीने के लिए अंदर तो नहीं है हालांकि बहुत लंबा टाइम यहाँ नहीं लगता आप मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि व्यू पॉइंट है और बोटिंग है तो आप खाने पीने के लिए सामान अपने साथ ला सकते हैं बायनोकुलर जरूर अपने साथ लेकर आए दूरबीन क्योंकि यहाँ पर वो डियर जो है बहुत छोटा होता है और घास के अंदर छिप जाता है लोकेशन वेरी गुड यार क्या बढ़िया हो सके तो सुबह सुबह आइए जितना अर्ली हो सके बाकी ये सुबह 6 बजे से लेकर सर कितने बजे तक खुला रहता है पार्क 6 AM to 4 PM अभी दूरबीन के थ्रू मुझे एक डियर नजर आ रहा है आ रही है एक्चुअली आ रही है उसके सींग नहीं है सर जरा स्पॉट करना प्लीज देखा था फाइनली दिख गई एक्चुअली फीमेल है ना वो भी मैंने भी देखी थी हाँ वो है ऊपर व्यू पॉइंट ठीक है और उससे मुश्किल से 50 मीटर नीचे उतर कर रोड साइड पर है बोटिंग पॉइंट जहां से आप बोटिंग कर सकते हैं और
और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज जो ये लगे हुए हैं, देखिए ये सारा पानी है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ये, और इस पानी के ऊपर ही ये ग्रास पूरी है। यहाँ ये वाटर लेवल भी दिखाया गया है कि किस लेवल तक पानी आ जाता है, और जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता है ना, वैसे वैसे ही ये जो बायोमास है ये भी ऊपर उठती जाती है। बोट ₹50 पर पर्सन, कोई बहुत लंबा बोटिंग टूर नहीं है, 10 से 15 मिनट का टूर होता है सिर्फ, सामने तक बस, यहाँ से जरा सा 50-60 मीटर दूर तक आपको जाना है, वहां आप उतर सकते हो साइड में इस बायोमास पर और आराम से 2-4 फोटो खिंचाकर आप आ सकते हो। तो जरा हमारा ग्रुप आ जाए फिर हम चलते हैं बोट में। सो गाइस आवर बोट राइड हैज स्टार्टेड। So now guys we are going to land on the biomass. One by one. My goodness. आराम से पापा आगे 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 आओ। So guys we are on this biomass and I can feel it. ये पानी पे float कर रहा है। ये वाला चाची इधर थोड़ा सा वीक है। उधर के लिए ओनली वही जगह की मैं बता रहा हूँ। इस जगह इसे थोड़ा जल्दी चलना पड़ता है, ज्यादा वही भी नहीं चलता है ना, वही क्या इसके ऊपर जंप भी कर सकता है। एक जगह दबना नहीं चाहिए बस, एक जगह पे ज्यादा तक खड़े थोड़ा पानी निकल सकता है। इधर थोड़ा हार्ड होता है, उधर थोड़ा हार्ड होता है, उधर हार्ड है थोड़ा। टिया इधर से आओ चल के, आओ बाबू आओ। यू कैन सी हाउ इट इज फ्लोटिंग, ग्रेट नाइस। टिया इसको पकड़ना जरा, मेरा वेट ज्यादा है बाबू। तो फ्रेंड्स बोटिंग पॉइंट यही है, यहाँ तक आना होता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस नेशनल पार्क, यू कैन लाई डाउन, सॉरी यू कैन गेट ऑफ फ्रॉम द बोट एंड यू कैन सिंपली वॉक ऑन इट। आप देख सकते हो यहाँ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर पानी है, जिस पर मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। देखने में लगता है कि वंस मोर, लेकिन ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यू वॉन्ट फाइंड, दुनिया में आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं देख पाओगे, पूरी दुनिया में ये इकलौती ऐसी जगह है जहां आप ये कर सकते हो। भाई आपसे ज्यादा वो तो आई है। ओके चले, नहीं बोट में पानी आ जाता बेटा, आ जाता बैठ के बैठो बैठो। सो ये दबता हुआ एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हाँ ये नाइस। चलिए काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क की जर्नी होती है यहाँ पर खत्म। बोटिंग हो गई, व्यू पॉइंट सब कुछ देख लिया, एंजॉय कर लिया। अब यहाँ चलते हैं लोकताक लेक की तरफ और वहां से लोकताक लेक को देखेंगे। अच्छा यहाँ से एक जगह है जहाँ हम जा सकते हैं सेंड्रा पार्क, सेंड्रा पार्क से भी व्यू दिखता है, और एक और जगह है थांगा हिल है, तो थांगा हिल से भी हम जगह देखेंगे, और अगर मौका लगा तो बोटिंग करेंगे, अगर करने का मन हुआ तो बने रहिए, चलते हैं। पार्क कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैजिकल। आप उतरे क्यों नहीं नीचे?
हमसे अपना डर लग रहा था, पैर नीचे जा रहा था, हमें अपना बैलेंस बनाने में डर लग रहा था कि हमारे शरीर का अमेजिंग। बताओ जल्दी आओ, चाचू कैसा रहा? मैजिकल मैजिकल ओके, मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वाओ बाबू, सबसे ज्यादा तुमने ही देखा वहाँ, तुम ही ना हिल रही थी बस। ये तो हाथों से भी चली, पैर से भी चली। अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय है। नहीं सच में बहुत अच्छा था ये तो, पहली बार ये चीज देखी।